चुनावी सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे रीवा। रीवा से नाता जोड़ते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा के एसएफ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं तानसेन बीरबल को याद करते हुए अपना नाता रीवा से जोड़ डाला। दिल्ली की एक विशेषता है, सतयुग से देख लो, त्रेता युग देख लो, मुगल सल्तनत देख लो, कहते हैं कि दिल्ली पर एक ऐसा श्राप है कि किसी भी की कितनी ही सल्तनत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चौथी पीढ़ी आने के बाद वो समाप्त हो जाती है। चौथी पीढ़ी के आगे किसी का कुछ बचता ही नहीं है। ये कांग्रेस का भी वही हाल हुआ है, ये चौथी पीढ़ी के आगे उठा हुआ है, अब बचने वाला नहीं। हमारे देश में आप मुझे बताइए, ये सूरज मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, ये सूरज मोदी के आने के बाद निकला क्या? पहले सूरज था कि नहीं था? सूरज उगता था कि नहीं उगता था? पहले भी रोशनी देता था कि नहीं देता था? मोदी के आने पहले भी देता था कि नहीं देता था? भाइयों बहनों, 50 साल तक कांग्रेस की सरकारों को सूरज नहीं दिखाई दिया, 4 साल में मोदी को सूरज की ताकत दिखाई दी। कैसे फर्क आता है? सूर्य ऊर्जा में 50 साल में जो काम हुआ, हमने 4 साल में 9 गुना ज्यादा उस काम को कर दिया। 72 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आज देश में हमने उत्पादन करके दे दिए। भाइयों बहनों, हमारे मध्य प्रदेश में 55 साल कांग्रेस ने किया बेहाल, 55 साल कांग्रेस ने किया बेहाल, और 30 मेगावाट नवीनीकरण वाली ऊर्जा 30 मेगावाट थी। भाइयों बहनों, हमारे 15 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 4000 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का काम किया। कहां 55 साल में 30 मेगावाट और कहां 15 साल में 4000 मेगावाट? उनको सूरज नहीं दिखता था, हमें सूरज की ताकत दिखती है, और इसलिए हम जनता की भलाई के लिए उसको काम में ला रहे हैं। तानसेन के सूर और बीरबल की हाजिर जवाबी यहां के कण कण में, जन जन में रचा बसी है।
तानसेन के कारण मेरा भी रीवा से एक नाता बन जाता है। आपको आश्चर्य होगा ये मोदी गुजरात का और उसको तानसेन से क्या लेना देना, रीवा से क्या लेना देना। लेना देना है। आपको पता होगा जो कथाएं सुनने को मिलती है कि तानसेन ने दीपक राज गाया और दीपक राज की उसकी ताकत इतनी थी कि पूरे शरीर में ज्वाला होने लगी। दीपक राज की ताकत हुआ करती थी, दिए जल जाते थे और तानसेन में वो महारत थी। लेकिन तानसेन के उस राग का इतना असर हुआ कि दीपक तो जले ही जले, भीतर से उनका बदन भी जलने लग गया। अब तानसेन परेशान थे। इस परिस्थिति का उपाय क्या? किसी ने उनसे कहा कि अगर कोई मल्हार राग गावे और मल्हार राग की ताकत से अगर वर्षा हो जाए, उस वर्षा के अगर तानसेन का शरीर बिगे तब जाकर के ज्वाला समाप्त हो सकती है, तब तक नहीं हो सकता। और तब जहां मेरा जन्म हुआ, मेरा गांव वड़नगर, वहां दो बेटियां हुआ करती थी नागर ब्राह्मण परिवार की, ताना और रीरी। अकबर को पता चला कि वड़नगर में ताना रीरी नाम की दो बेटियां हैं, वे संगीत की दुनिया में उनको महारत है और वे मल्हार राग गाती है। स्वयं तानसेन वहां गए, ताना रीरी ने मल्हार का राग गाया, वर्षा हुई और तानसेन की ज्वाला को समाप्त करके उनको ठंडक का एहसास कराने का काम मेरे गांव की दो छोटी छोटी कन्याओं ने किया है।